इसके बाद मोमिनीन जैनब बिनते खुजैमा रजी अल्लाह अनहा के हालात वाकयात की बारी आती है आप रजी अल्लाह का नाम जैनब था वालिद का नाम खुजैमा बिन अब्दुल्ला था कुत उमुल मसाकीन थी वजह इसकी ये थी कि आप बहुत ज्यादा सखी थी बहुत रहमदिल थी मसाकीन और फकर को बहुत फयाजी से खाना खिलाया करती थी सयदा जैनब बिन ते का पहला निकाह हुआ, इसकी कुतुब सीरत में खासा इख्तिलाफ पाया जाता है वो जलील सहाबी और बहुत बड़े शुजा थे जंग उहद में शरीक थे और इसी जंग में दर्ज शहादत पर फायस हुए सयद ना अब्दुल्ला बिन जहश रजीलों की शहादत के बाद रसूल सल अलाम के हल्केत में आने के शरफ से सरफराज हुई रसूल सल्लाम से अकब के वक्त सैदा जैनब की उम्र तीस साल की लगभग थी इस निकाह का माह बारह उकिया यानी पांच सो दिरहमर हुआ नबी अक्रम सलाम से निकाह पर अभी तीन महीने गुजरे थे कि सयदा जैनब रजी अल्लाह वफात पा गई उनकी वफात रबी अल के आखिरी दिनों में हुई सैदा खदीजा के बाद पहली बीवी हैं, जिन्होंने आपकी जिंदगी में इंतकाल फरमाया आपने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई जन्नतुल बक़ी में दफन हुई अल्लाह ताला की उन पर हजार रहमतें हुई